Hà Nội. Jen. 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 Arnold Subhash Nagar. ये अर्नोल्ड सुभाष नगर किस पिशाच का नाम है? नहीं, यही होता है जब आप हॉलीवुड की फिल्में हिंदी डब में देखते हैं। जिंदगी कब आपके मजे ले लेती है पता तक नहीं चलता। इस दुबले पतले लड़के हैं, कितने हस्त पुष्ट प्रस्त भी है, नष्ट कर दिए कितने, क्रश कर दिए कितने, जब्त कर लिए हैं। लेकिन के जाल में फिलहाल में बैठा हूँ माहौल में, क्या करूँ, धंधा ही है ऐसा मेरा, क्या करूँ क्या करूँ सच बोलने से। स्वागत है आप सबका। क्या आप अपने चटक काले रंग से परेशान हो चुके हैं? क्या लड़कियां आपको देखते ही बोलती हैं, निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल? और क्या आप भी हमारे आदरणीय जॉनी भैया की तरह गोरी त्वचा पा करके बनना चाहते हैं सेक्स का संवाददाता? तो आज ये मर्द एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर के आया है कुछ ऐसी तकनीक जिसका इस्तेमाल करते ही आपका माथा जादू की तरह चमकने लगेगा और आपकी गोरी त्वचा देख करके शेमस भी आपको बोलेगा कि गुरुदेव प्रणाम। नमस्कार, तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? दोस्तों आज के वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं गोरा होने का एक बहुत ही बेहतरीन उपाय। ये देखिए, पहली बार का ये दोस्तों कमाल है। ये देखिए, बिल्कुल ये साफ हो चुका है। अरे भोसड़ी क्या, ये रंग गोरा नहीं हुआ है, तेरी आंखों में मोतिया उतर गए हैं। नहीं, यही देखने के लिए तो हम लोग YouTube पे आते हैं कि लोग हाथों में लकड़ भग्गे की टट्टी लगाकर गोरा होना सिखा रहे हैं। और ये बात जान करके आप अपनी दाहिनी किडनी में खंजर दे देंगे कि इस वीडियो पे उस्मान भाई ने कमेंट किया है, ब्रो क्या ये सच में वर्क करता है? अरे उस्मान भाई क्या बकचोदी है ये, यहाँ हम लोग आपसे इतनी उम्मीदें लगा करके बैठे हैं और आपने ऐसा चूतिया कमेंट करके एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो आज हम लोग गोरे होने के कुछ ऐसे ही तरीकों पे नजर डालेंगे जिसको देखने के बाद वैज्ञानिक भी बोलेंगे मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो चलो यार भोले की गोली चढ़ाते हुए शुरू करते हैं। बहुत दिनों बाद आज का मुठकदमा। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा बेहतरीन घरेलू उपाय बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से आप लोग अपने चेहरे के डार्कनेस को, चेहरे के कालेपन को दूर कर पाएंगे। हाँ, हम लोग तो पुश्तैनी चूतिए हैं। अरे बावली गांड, अगर कोई इंसान मुझे गांजा फुकवा के भी इस बात पे विश्वास दिलवाए ना कि ये दोनों थूत किसी एक इंसान की हैं, मैं तब भी विश्वास नहीं मानूंगा। लेकिन चलो ठीक है, सिर्फ तुम लोगों की मोहब्बत में मैं एक बार को मान भी लेता हूँ कि मेरी आंखें कमजोर हो गई है, चश्मा गंदा है। तो फिर रुको, एक मिनट रुको। नहीं, फर्क अभी भी पता चल रहा है, क्योंकि भोसड़ी के बोरो प्लस लगा करके ये चमत्कार तो भगवान भी नहीं कर पाएंगे। क्या हुआ, वो देखता ही नहीं। वाह 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 वाह, अभी अगर गलती से भी लौंडे ने देख लिया ना तो महिला हेल्पलाइन पे फोन करके उसकी गांड तोड़वा दी जाएगी। नहीं, मैं आप लोगों को आज एक सच्चाई बताता हूँ, मुकेश भाई ने भी एक बार यही देखने वाली हरकत कर दी थी, तब से लेकर के आज तक के दुनिया को अपना नाम बताते फिर रहे। मेरा नाम मुकेश है। फेस लॉजिक एक जादू असर करीम है, इसमें शामिल है विटामिन ए, विटामिन ई, नेचुरल हर्ब्स, एलोवेरा, जो आपको बनाए खूबसूरत। कितना हसीन तुझे बनाया रब ने, देखा तुझे दिल में बसाया
तता देख तो गंजेड़ी को, आंखों से हवस का झरना बह रहा है। नहीं मैं बता रहा हूँ, अगर ये भाई साहब किसी फिल्म में हीरो बन के आएंगे तो फिल्म का नाम होगा भोसड़ी वाले जमी पर। कभी आपको अपने से खूबसूरत और गोरे व्यक्ति को देखकर ऐसा महसूस हुआ है कि आप भी उनकी तरह खूबसूरत दिखें? क्योंकि आप माने या ना माने, आपकी गोरी निखरी और बेदाग त्वचा ही आपकी खूबसूरती की सबसे बड़ी पहचान है। बस बस बस, यही जानने के लिए तो जन्म लिया था हम लोगों ने। नहीं, अगर इन फेयरनेस क्रीम वालों की माने ना, तो हमारी नौकरी से लेकर के हमारी वर्जिनिटी तक सिर्फ इसी वजह से रुकी हुई है क्योंकि हमारी थूत पे चमकान नहीं है। नहीं देखो बबुआ, मेरी बात सुनो और समझो, अगर सच में ऐसा होता ना तो ये चिकना भवंडर देश का प्रधानमंत्री बन चुका होता। डिजिटल इंडिया पाएंगे की मां खा जाता। सावले बन के वैसे कॉलेज में काफी प्रॉब्लम्स हुए, कोई वैल्यू नहीं करता था। इवन मैं अटेंशन ग्रैब करने की काफी कोशिश करता था, मैंने ब्लीच वगैरह और फेशियल वगैरह भी ट्राई करे, बट वो सब टेम्परेरी थे। देन मैंने फेयर लुक के बारे में सुना, मुझे लगा जहाँ इतना सब कुछ यूज करा है वहाँ एक बार ये भी ट्राई कर लेते हैं। हाँ, अपना भाई अटेंशन ग्रैब करने के लिए नाभि में कंचे फंसा के ना चाहता था, और सजना को काला दिखाने के लिए ये जो मेकअप किया गया है ना, कसम खुदा की ऐसा लग रहा है गेंडे ने जोर लगा के हगा था और अपना भाई उसी में बाहर निकल आया। मेरी स्किन डार्क हुआ करती थी, उसकी वजह से मुझे कपड़े इतने सोच समझ के पहनने पड़ते थे। मेरे हस्बैंड तो मेरी तरफ देखते ही नहीं थे, दूसरी लड़कियों को देखते थे ना बहुत बुरा लगता था। मैंने टीवी पे फेयर लुक का एड देखा और अब मेरे हस्बैंड ने मुझे डिवोर्स दे दिया है और मैं चाय के होटल में बर्तन मांजती हूँ। नहीं देखो, समझो इस बात को, मैं हिंसा के बिल्कुल खिलाफ हूँ, बापू के दिखाए हुए रास्ते पे चलता हूँ, लेकिन इस मेकअप को अंजाम देने वाला इंसान आपको जहाँ भी दिखाई दे उसकी बुंड में गोली मारो। अरे ये क्या थूत बना रखी है, ऐसा लग रहा है मुंह पे साइकिल की चेन रगड़ के पान की पिचकारी मार दियो। नहीं मैं बता रहा हूँ, ऐसी थूत के प्राणी धरती पे तो छोड़ो जुपिटर पे भी नहीं मिलेंगे। आप कितना भी दिखाएं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप अपने से गोरे व्यक्ति को देखते हैं तो पता चल ही जाता है। अगर आप गोरे हैं तो आप बहुत ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक दिखते हैं। नहीं तुम्हें ये चुदक्कड़ बातें समझा कौन रहा है? नहीं मुझको बताओ, ये बातें तुम्हें बता कौन रहा है कि हम लोग हर गोरे इंसान को देख करके आकर्षित हो जाते हैं? समझो, रुको तुम रुको, एक मिनट लाओ मुकेश भाई, लाइए लाइए, गोरे आदमी को लाया जाए। तुम तो मेरी जान हो, दिल का मेरे अरमान हो, हर लड़की जो खाना चाहे तुम वो मीठा पान हो। देख रही हो इसे, इसे देख करके किसी को प्यार नहीं आता है, बस यही मन करता है कि इसे जुलाब की गोली खिला करके पानी की टंकी में लाल मिर्च डाल दें। कसम हीरा लाल ठाकुर की, देख करके मजा आ जाएगा जब आपके गोले हगेगा। అవును, కళ్యాణి నీలి ఉండగా మీకెందుకు చింత? నోరు తెరవమ్మా. నీళ్ళు నువ్వు వాడరా? इस जादुई टॉनिक का आविष्कार कोई मिल गया के रोहित ने किया था। और अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि कोई मिल गया के रोहित ने इस टॉनिक का आविष्कार कैसे किया था, तो अफसोस, ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसजी सपोर्ट के इस चैनल में। मैं बोल रहा हूँ एसजी फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे टॉप 10 क्रीमें रखी हुई हैं। फ्रेंड्स आज मैं इनकी रैंकिंग देके बताऊंगा रिव्यू करते हुए कि इनमें से नंबर 10 से लेकर के नंबर 1 पे कौन सी क्रीम इस समय इंडिया में छाई हुई है। बस दुनिया को बर्बादी की तरफ ले जाने के लिए एक यही आखिरी कदम रह गया था। अरे यार फेयरनेस क्रीम की टॉप 10 रैंकिंग ही करवा दी पिया ने। कि इनमें से नंबर 10 से लेकर के नंबर 1 पे कौन सी क्रीम इस समय इंडिया में छाई हुई है। इंडिया में छाई हुई है फेयरनेस क्रीम, छाई हुई है इंडिया पे, बहुत सही। आपको क्या लग रहा था, मोदी जी छाए हुए इंडिया पे? ना, इंडिया में छाई हुई है। नहीं बस अब समझ जाओ, देश तरक्की की राह पर है, और अगर देश पे फेयरनेस क्रीम ही छाई हुई है ना, तो बंद करो आज से ये बकचोदी। मैं भी तुम लोगों को आज से थूत गोरे करने के तरीके बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना बाबा ब्यूटीशियन बजूका आज आप लोग के लिए एक बार फिर से लेकर के आया हूँ एक ऐसा टोटका जिसका इस्तेमाल करते ही
आपके चेहरे पे आएगा ऐसा निखार कि पड़ोस में रहने वाले जुम्मन चाचा की बीवी भी आपके सामने आके बोलेंगे कि कुंडी मत खटकाओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, कोई बकचोदी नहीं करेगा। और तो और देश और दुनिया में आप जहां भी जाएंगे आपका निखार देख करके कोई भी आपको पत्थर तोड़ने का काम दे देगा, मैं बता रहा हूँ कोई बकचोदी नहीं करेगा। तो इस औषधि को बनाने के लिए आपको चाहिए हैं ये चार चमत्कारी चीजें, दो भगोने बोरो प्लस, शुद्ध लकड़ बग्गे की टट्टी और लौड़ा लहसुन। और इस औषधि को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद इस तरीके से अपनी थूथ पर लगा लें। अगर 5 दिन में आपके चेहरे पर निखार नहीं आया तो बाबा बजुका की जबान है अमीनाबाद से ली हुई अपनी ये 250 रुपए की दाढ़ी कटवा दूंगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे ब्यूटिशियन बजुका के एक अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, कोई बकचोदी नहीं करेगा। तो बस यार आज का मुटकदमा यहीं पे खत्म करते हैं, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक मारो यार, देखो भाई का कमबैक है तो फिर 80,000 लाइक तो बनते ही यार, फटाफट लाइक मार दो। और अगर इस क्रांति में नए हो तो जो लाल वाला बटन है उस पर क्लिक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बगल में घंटा बन के आएगा उस पर भी दबाओ ताकि तुम नोटिफिकेशन पाओ। और अब बस यार मैं भी चलता हूँ, मुझे मैच्योर बैग खरीदने जाना है, एंडिंग लगाओ। जो ये सपने देखते हैं करता हूँ वो आज मैं, इलम है मुझ में इतना जो कलम से मैं हूँ लिखता, पूरी जनता के लिए वो लेके ईश के समान है, ये ईश के समान है, एक ही समान है, सारे भाई बंधु मेरी जान मेरे प्राण है, पर कुछ रांड है बावली सी गांड है आज। खत्म हो गई वीडियो? नहीं क्या, नहीं तुम लोग क्या सोच के रुके हो, तुम्हें क्या चाहिए, मतलब तुम्हें 10 मिनट की वीडियो में पोस्ट क्रेडिट सीन भी चाहिए? नहीं नहीं क्या सोच क्या रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा था अभी आखिरी में निक फ्यूरी आएगा मुझे एवेंजर ज्वाइन करवाने के लिए? कुछ नहीं होने वाला है ऐसा, खत्म हो गई वीडियो, चलो जाओ।